हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति देसी गर्ल। हम गए थे मार्केट और वहाँ से लेके आए राखी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये देखो, राखी को देख के पीयूष एकदम मतलब पागल ही हो गया है। एंड ये जितनी भी राखी हैं, मतलब कुछ इसमें मेरी राखी भी हैं जो मैं लेके आई हूँ, और कुछ इसमें जो मम्मी की हैं जो वो अपने घर ले जाने के लिए लेके आई हैं। जल जा पीयूष, देख पीयूष, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। तू कैसी है पीयूष, कैसी है? ये बैठा ना, ये लाइट वाली, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स का काम है तो मेरी स्किन एकदम ख़राब हो रखी है, तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ ओलिविया की ब्लीच। ये पाउच आता है 20 रुपीज़ का, और ये है हिमालय का स्क्रब, 10 रुपये का आता है। ऐसे सही दिखेगा, पता नहीं कैमरे में उल्टा दिख रहा है। एक बार मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये है ब्लीच और ये है, तो ये दोनों चीज़ें। ये अभी हम राखी खरीदने गए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए, और मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ हो रही है ना वहाँ पे। और मतलब बिलीव नहीं करोगे, 1000 रुपये की तो राखी राखी, मतलब मेरी मम्मी का जो मायका है ना, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ की जो फैमिली है बहुत बड़ी है। मेरे 4 मामा, फिर 4 मामी, फिर उनके 2-2, 3-3 बच्चे, फिर उनकी बहुएँ, फिर उनकी बेटियाँ, फिर उनके भी बच्चे, तो पूरे कुनबे के लिए राखी लेनी पड़ती है। तो 1000 रुपये से ज़्यादा की तो राखी राखी हो गई थी। माय गॉड, इतनी महंगी तो काजू कतली भी नहीं है। तो बट ये फाइनली हमने राखी ले ली। वैसे भी तो हर रोज़ रोज़ नहीं आते, कभी कभी आते हैं। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। और कल तो फिर मामा जी के यहाँ जाना है, और कल मुझे जल्दी भी उठना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी हम अपने भाई के, बड़े वाले भाई के राखी रखती हैं। बड़ा वाला भाई मतलब मेरे से छोटा, दोनों भाइयों में से बड़ा, क्योंकि वो सुबह सुबह जॉब चले जाता है 6 बजे के आसपास, तो मुझे उसको भी राखी बांधनी पड़ेगी। तो अभी मैं ये ब्लीच कर लेती हूँ, लेट्स सी, फिर देखते हैं आगे। सो गाइस, फाइनली मैंने अब फेस वॉश कर लिया है। तो आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, चाहे वो आप जो भी फेस वॉश लगाते हो अब, तो आप उससे फेस वॉश कर लो क्लीन वाटर से। एंड मैंने ब्लीच वगैरह घोल ली थी और उसके अंदर एक्टिवेटर मिलाया, और 15 से 20 मिनट मैंने लगा के रखा, और फिर मैंने लगाया फेस पैक, और फिर ये विटामिन ई का कैप्सूल, तो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है विटामिन ई, तो ये मैंने लगाया था। फिर इससे मैंने करी थी मसाज। तो मैंने ये जो भी चीज़ें करी थी रात के टाइम करी थी, क्योंकि जब हम रात के टाइम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमारी जो स्किन होती है ना, उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए। जो हमारे पोर्स होते हैं, जो हमारे छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, उनको भी मतलब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रिकवर करने का। तो जितना आप अच्छे से मसाज कर सकते हो आप करो। सो गाइज, अमन को जाना था ड्यूटी, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई, और मैंने फिर नए कपड़े भी नहीं पहने, मैंने जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही लोअर टी शर्ट पहन लिया, और मैंने इसको राखी बांधी, और इसने मुझे दिए 200। कोई बात नहीं, बट मेरी स्किन बताओ ग्लो नहीं कर रही? लग रहा है ना असर, अब भी ऐसे करेगा वो घर में ही 30 रुपये में कमाल। सो गाइज, फाइनली अब था टाइम छोटे वाले भाई को राखी बांधने का, और पीयूष को और भाभी को। तो मैं ये सूट लेके आई थी, बट मैंने ना मतलब इसका फिटिंग वगैरह कुछ नहीं कराया था, मेरा तो मन नहीं था पहनने का, फिर सबने बोला पहन ले, तो फिर मैंने मतलब पहन लिया था, बिना फिटिंग के ही पहन लिया था कि चलो नया कपड़ा पहन लेते हैं। एंड पीयूष बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, और खुश भी बहुत था, बहुत आराम से इसने राखी भी बनवा ली, और मुझे मिठाई भी खिला रहा था। एंड ये है हमारी भाभी, तो ये भी राखी बनवा रही हैं। हमारे यहाँ भाभी को भी राखी बांधते हैं, आई होप आपके यहाँ भी बांधते होंगे। और ये लेके आया था 50 रुपये पहले, और बट बाद में पापा ने 50 रुपये हटा कर 200 रुपये दिए,
एंड अब हम जा रहे हैं मामा के यहाँ, अब मैं मेट्रो पे, तो अब मिलते हैं डायरेक्ट वहीं पे मामा के यहाँ। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने मामा जी के यहाँ, और अभी हम छोटे वाले मामा जी के यहाँ पे हैं। क्या कैसी है मेरी? देख स्टफ देख है को स्टफ देख है को हाय गर्ल। और तेरे को पता है क्या हुआ? वो हमने मैंने मेट्रो वाली वीडियो डाली थी ना, मेरे ऑफिस की एक लड़की ने देखी, सीनियर है वो मेरे से, कहती है यार तेरे मामा जी का लड़का कितना स्मार्ट है। भगवान कसम सेम यही वर्ड में कह रही, वो बहुत छोटा है, कह रही जो हुई हो लास्ट में मैंने देखा था, पर बहुत स्मार्ट है वो। देखो अभी आपके सामने मम्मी इसलिए ऐसे कर रहा है। वीडियो में पढ़ाई कर तू मेरा आगे। अरे थैंक यू तो बोल दे ना। शादी सुधा है वो अब फिर मैं दे अरे हेलो गाइस, सो फाइनली मैं अपने मामा जी के यहाँ पहुंच गई हूँ, और ये है सोना हाईवे रोड है ना, सोना गुड़गांव सिटी में आता है ये, और अभी हम जा रहे हैं गांव के अंदर क्योंकि वहाँ पे भी मेरे दो मामा जी रहते हैं, मम्मी और सिस्टर्स वगैरह वहाँ सब पहुँच गए हैं, मैं और भूपेश जो मेरे मामा जी का लड़का पहले आया था, हम लोग अब जा रहे हैं। आगे जाके मैं वहाँ का कच्चा रास्ता भी दिखाऊंगी, बट पता नहीं वहाँ लाइट है ना, पर वहाँ तो है ना लाइट जला ली, चलो देखते हैं फ्लैश लाइट जला लेंगे, लेट्स सी, तो मिलते हैं आगे। ये जीडी क्या है, जीडी गंगा बोल रहे थे मैं, ये क्वार्टर्स है, ये पहले यहाँ पे ना खेत थे सारे, क्वार्टर फ्लैट है, सोसाइटी बना रखी है, मतलब फ्लैट है, और देखो ये भी कट रहा है यहाँ पे, स्पोर्ट्स विला हाँ जो भी है, मुझे तो इतना आइडिया यहाँ का है नहीं, और मैं दिन में आऊंगी ना जब दिखाऊंगी यहाँ पे, और दिन में आऊंगी जब दिखाऊंगी। भूतिया रास्ता यहाँ बंद पर भूत रहे हैं, मजाक चुप रहे, मजाक से एक जगह दिखाऊंगा मैं, तो चुप मुझे मत दिखा, सीधा चल देख रास्ता दिखा, सीधा चल कौन सा ये वाला, माय गॉड ये देखो गाइस, देखो इधर इधर बिल्डिंग्स बन रही है, इधर पहाड़ है ऊपर, ये पीर बाबा है, सैयद है, सैयद माता माता आ गया ना, यहाँ बंद पे भूत रहे वे। सही में चुप चाप चलो, डर लग रहा है, रोड देख, रोड रोड देखो बस आ रहा है, देखो दिन के टाइम होता ना जब जाता मजा आता। तो गाइज यहाँ से हमारे मतलब मेरी मम्मी जी का गांव स्टार्ट होता है, ये मंदिर से शुरुआत होती है, यहाँ से है ना शुरुआत में मंदिर आ जाता है, शुरुआत में मंदिर आ जाता है, पहले ये सारे लोग यहीं रहते थे, फिर इनके पास पैसा आ गया तो ये सोना में बढ़ गए। ओह माय गॉड फ्लैश लाइट जली। सो गाइज फाइनली मैं आ गई हूँ गाँव में। हेलो कर, हेलो, ये मेरे मामा जी की लड़की है, ये पहले भी आ चुकी है और वीडियो में भी बहुत बार आई है ना, तो मेरे मामा जी के बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मेरे चार चार मामा हैं, तो सबके जो भी मुझे मिलता रहता है सबकी मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, और ये भाभी का रूम है, भाभी के रूम में, अब दिन में आती तो यार कुछ दिखाती भी, अंधेरे में क्या दिखाऊँ, है अभी तो जाएंगे वापिस, तो मामी हरनी है ना, मामा और मामी देखती हूँ, मामा मामी कह रहे आज वो वहाँ जा रहे ना अपने वहाँ, और लड़का आज में गिर गर्दन टूटी पड़ी है, ये
मामी जी गए। क्या वही देखो 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 मैं यहाँ चल रहा। पता है मम्मी भूपी मुझे कहाँ लेके गया? बोल तो सही तो कुछ। यह गिटवाड़ यहाँ पे हमारी भैंस बन रही है, हमारी सारी कुटुंबी का है और हमारे मामा जी मेहनत कर रहे हैं रात के टाइम। मामा जी चलो राखी बांधेंगे, हम वेट कर रहे हैं कब से। ये भैंस बड़ी बोली रूम है उसमें क्या, चलो उस रूम में चल के देखते हैं। ये हमारे मामा जी मेहनत करने लग रहे हैं। क्या कर रहे हो, क्या नियार काटोगे अकेले? भैंस के लिए होता है ना ये, यहाँ पंखा लग रहा है देसी जुगाड़ और ये घाट है, यहाँ पे मामा जी सोते हैं क्योंकि यहाँ भैंस वगैरह रखते हैं रखवाली करने के लिए, है ना। तो मैं भूतनी तो नहीं आ रही ऐसे फ्रंट कैमरा करने। सो गाइज फाइनली अभी हम गांव में थे और अब हम वापस यहाँ आ गए हैं सोहना में और आप इनको जानते ही हो। वैसे तुम्हें हाई नहीं कराना एक बार करियो हाय। रोटी हेलो हेलो। सो अभी हम रोटी बना रहे हैं, मैं बेल रही हूँ और ये सेक रही है और मम्मी बगल में है, वो भी मामा जी का घर है, मम्मी उनके यहाँ पे खाना खा रही है और हम यहाँ पे खा रहे हैं और लेट्स सी मिलते हैं। और जब मैं सो जाऊंगी, सोने वाली होंगी जब मैं ब्लॉग का एंड करूंगी रक्षाबंधन वाला। सो बाय बाय। कितना सही आ रही हूँ, बहुत अच्छी आ रही है गाइज। अब हम खाना खा रहे हैं और मेरे साथ कहाँ ले रही हूँ ना खाना खा रहे हैं मैं और मेरा भाई, वो कैमरे मैन आना नहीं चाहता, ही इज साई पर्सन है। ये भिंडी की सब्जी रितु ने बनाई है, आलू परमल मामी ने बनाई है, आज ही बनाई है ताजी एकदम। रोटी मैंने और रितु ने बनाई है, वो जली जली रोटी बनाई है। पकोड़े किसने बनाए थे? पकोड़े मामी ने बनाए हैं। चटनी ये हमारे भूपेश कुकिंग कुकिंग मास्टर ये भिंडी तो दोबारा आ गई इनकी।